जब दोनों के दोनों हमारे पास जो मेल्यूल आए हैं उनके दरमियान में से अगर इस आर्टरी को पकड़ेंगे हम लोग तो इसका नाम होगा ड्रोसेलिस पीडिस आर्टरी, ऊपर से हम इस आर्टरी को पकड़ेंगे तो इसका नाम एंटीरियर टिबियल आर्टरी होगा। इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना। मैं बात कर रही थी ड्रोसेल डिजिटल एक्सपेंशन की। पहले तो ये जो चार टेंडन्स है ना इनके बीच में काले काले रंग के मसल्स नज़र आ रहे हैं, ये टेंडन्स के बीच में ये वाले जो मसल्स हैं सारे लम्ब्राइकल्स हैं। इंट्रोशिया डीप होते हैं, बोन के साथ अटैच होते हैं, वो कभी भी नज़र नहीं आते। ड्रोसेल डिजिटल एक्सपेंशन ऐसे बनती है कि यहाँ पर आके ना प्रॉक्सिमल फेरेंजेस की बेस पे अटैच होते हैं हमारे लॉन्गस के टेंडन्स। यहाँ से निकलती है एक मीडियल स्लिप, मिडल के लिए जाती है, हर तरफ दो कोलैटरल स्लिप्स जाती हैं, यहाँ मिडल पे आके मिल जाती हैं, मिलने के बाद वो डिजिटल फेलिंग्स की बेस पे अटैच हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बन जाती है सारी ड्रॉसल डिजिटल एक्सपेंशन जो इसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को कंट्रोल कर रही होती है। एक्सटेंशन डिजिटल और हम ब्रेविस, मैंने शायद बता दिया कि ये जो पतले पतले वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल वाइट लाइन्स ही हैं, ये एक्सटेंशन डिजिटल और हम ब्रेविस के टेंडन्स हैं जो लेटरल साइड से हमारे लॉन्गस के टेंडन्स के साथ मिल जाती हैं। यहाँ लॉन्गस के टेंडन नज़र आ रही है ना ये वाले, इनकी ऐसे लेटरल साइड पर आता है एक टेंडन अटैच होता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। तो ये हमारे पास डिजिटोरम एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है, फुट का मसल है, बाद में हम लोग इसे पढ़ लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास हेलुसिस लॉन्गस का टेंडन आया था, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस हेलुसिस के साथ जब अटैच होता है तो इसको हम एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस कह देते हैं। ठीक है, ये बात